हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी, जिसे हम बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे और बहुत झटपट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना। सब्ज़ी बनाने के लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए और 150 ग्राम बीन्स, जिनको आप किसी भी शेप में काट सकते हो। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भी तड़कने लगा है, अब हम आलू को डालेंगे। आलू को साफ पानी से मैंने धो के पानी निकाल के लिया है। आलू को हम हाई फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसमें जो बचा कुचा पानी है वो सारा इसी में जल जाए। साथ के साथ हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। तीन से चार मिनट बाद हम इसमें बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी हम 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम सब्जी को कवर करके लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। तब तक हम सब्ज़ी के लिए टमाटर काट लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें बहुत छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाल मिर्च का। मसालों को सब्जी में अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पर हम सब्जी में डालेंगे टमाटर। सब्जी को साइड में करके टमाटर बीच में डालेंगे। ऐसा करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, और टमाटरों को पूरी सब्जी में मिलाने से टमाटर देर से सॉफ्ट होता है। अब यहाँ टमाटर को 1 से 2 मिनट कवर करके हमें पकाना है। 1 से 2 मिनट हो चुका है, टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ हम हाई फ्लेम में टमाटर को पूरी सब्जी में चलाते हुए 2 मिनट तक और भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने हाई फ्लेम में ही भुना है। सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब हम लास्ट स्टेज में 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और सब्जी बनके तैयार है। सब्जी को हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। आपको सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।